नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे IAS PCS प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनके आंसर्स देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी तक 10 टेस्ट हम लोग लगा चुके हैं, ये आपका 11 बार है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या करना है? विचार करना है। किसी भी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले इस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। गलत है। प्रधानमंत्री केवल संसद के दोनों सदनों से ही अपने मंत्री चुन सकता है। गलत है। एक मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकता है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो याद रखना, पहला कथन सही नहीं है और दूसरा कथन सही नहीं है। पहला कथन क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा, याद रखना है, क्या बोल रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों द्वारा या तो संयुक्त रूप से या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। तो याद रखना, राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो एक विधेयक अधिनियम में बदल जाता है। ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री के। दूसरा, प्रधानमंत्री केवल सदस्य संसद के दोनों सदनों से ही अपने मंत्री चुन सकता है। ये गलत है। सही क्या है इसमें? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। आमतौर पर संसद के सदस्यों को या तो लोकसभा या राज्यसभा में मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए, अन्यथा उसे मंत्री का पद छोड़ना होगा। याद रखिए। तो इसमें क्या होगा आपका? बी ऑप्शन था, एक और दो कथन गलत था। ठीक है, क्वेश्चन है दूसरा, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रपति अपने विशेष विवेकाधिकार से ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने अनुशंसा न की हो। गलत है। मतभेद होने की स्थिति में वह राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। सही है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्री परिषद को भंग करा सकता है। सही है। इसमें आपका पहला कथन गलत है और एक और दो, एक गलत है, दो और तीन सही है। ठीक है, याद रखिए। प्रधानमंत्री उन व्यक्तियों की अनुशंसा करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति, याद रखिए। मतभेद होने की स्थिति में प्रधानमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है या राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है, याद रखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो केवल एक आपका कथन सही नहीं है, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, दो और तीन इसमें सही है। क्वेश्चन है तीसरा, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। गलत है। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये भी सही है, सॉरी गलत है, तीनों आपके गलत हैं। सही क्या होंगे इसमें? तो याद रखिए, सुनिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या प्रावधान आपका 91
वे संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, ना कि प्रधानमंत्री के। ठीक है, तीसरा कथन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, राज्यसभा की प्रति नहीं, लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसमें था आपका डी, तीनों कथन आपके गलत थे। क्वेश्चन है चार, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, इसमें मंत्रिपरिषद एक छोटा निकाय है, जिसमें 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल 60 से 70 मंत्रियों का एक व्यापक निकाय है। गलत है, सरकारी दायित्वों को पूरा करने के लिए मंत्रिपरिषद के निकाय के रूप में कार्य नहीं करती, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। ये आपका सही है, मंत्रिपरिषद एक संविधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ये भी आपका गलत है, तो इसमें केवल दो कथन आपका सही है। क्या है, केवल दो कथन सही है, एक और तीन गलत है। सही क्या है इसमें, एक और तीन में सही क्या है, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, याद रखना मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। ठीक है, फिर है आपका तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद एक संविधानिक संस्था है, याद रखना संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद एक संविधानिक संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था, इस प्रकार इसे मूल संविधान में स्थान नहीं मिला है। ठीक, तो फोर्थ नंबर में आपका सी था, केवल दो। क्वेश्चन है आपका पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था में विधानसभा को विधान परिषद से अधिक महत्व देता है, सही है, मुख्यमंत्री अनिवार्य रूप से विधानसभा से संबंधित होना चाहिए, ये आपका गलत है, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 निर्धारित की गई है, ये भी सही है, तो इसमें आपका होगा सी, एक और तीन कथन सही है। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन से चुना जा सकता है। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है कि वो विधानसभा से हो, अगर उस राज्य में विधान परिषद भी है तो उससे भी चुना जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या था, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है छठवां, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में कोई भी राज्य विधायिका संविधानिक संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, गलत है, राज्य विधायिका अन्य राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है ताकि आयातित और राज्य में ही उत्पादित सामान वस्तुओं के भेद बीच भेद किया जा सके, ये भी गलत है, आपके दोनों कथन गलत हैं। सही क्या है, अनुच्छेद 368 दो के तहत संविधान में किसी भी संविधान संशोधन की पहल सदन के किसी सदन भी सदन में केवल इस उद्देश्य से प्रस्ताव लाकर की जा सकती है। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 304 किसी राज्य की विधायिका विधि द्वारा दूसरे राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों से
आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जिसकी समान वस्तुएं उस राज्य में निर्मित या उत्पादित की जाती हैं। हालांकि ऐसा इस प्रकार आयातित या निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओं में भेद करने के लिए नहीं किया जाता है। दूसरा है सार्वजनिक हित में आवश्यक राज्य के साथ या उस राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य या उपयोग उपभोग की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, वास्तव कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना खंड बी के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संसद संशोधन किसी राज्य की विधायिका में पारित या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें था आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ना तो एक सही था ना ही दो। क्वेश्चन है 7, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। वह राज्य का प्रमुख होता है, गलत है। राज्य में कार्यपालिका संबंधी सभी कार्रवाइयां मुख्यमंत्री के नाम पर संचालित होती हैं, ये भी गलत है। वह नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य होता है, ये सही है। क्या इसमें तीसरा कथन केवल सही है? अभी याद रखिए, संसदीय लोकतंत्र में राज्य का मुखिया नाम मात्र का प्रमुख होता है, अतः राष्ट्रपति और राज्यपाल क्रमशः केंद्र तथा राज्य के नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्रमशः केंद्र और राज्य के वास्तविक कार्यकारी शासक होते हैं। अनुच्छेद 166(1) के अनुसार किसी राज्य के सभी शासकीय कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से व्यक्त किए जाएंगे, ना कि मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? केवल तीन कथन सही था, सी। क्वेश्चन है आपका 8, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति हेतु विस्तृत प्रक्रिया दी गई है, गलत है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को विधान के मंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है, ये भी आपका गलत है। सही क्या है आखिर? संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दी गई है, याद रखिए। अनुच्छेद 75 में केवल यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है, लेकिन जब किसी भी दल के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, याद रखिए। इसमें आपका 8 में डी था। क्वेश्चन है 9, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से निकायों परिषदों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, इसमें 3 होंगे, 1, 2, 3 सही। और जो क्षेत्रीय परिषद होती है इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखना। इन तीनों का होता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन, याद रखिए। प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है? योजना आयोग, वर्तमान में जिस नीति आयोग का, योजना आयोग की का स्थान आपके नीति आयोग ने ले लिया। राष्ट्रीय विकास परिषद का होता था, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने की अनुशंसा कर सकता है, सही है। वह अपनी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, गलत है। वह संसद के सत्रों को आहूत करने और अवसान करने के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को सलाह देता है, ये भी गलत है। इसमें केवल एक कथन सही है। क्या है? केवल एक कथन सही है।
दूसरा है वह अपनी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ये गलत है। सही क्या है? वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मंत्रियों की अनुशंसा करता है। राष्ट्रपति केवल उन व्यक्तियों को ही मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री द्वारा की गई हो, ठीक है। और तीसरा कथन आपका गलत है। तीसरे में सही क्या है? वह संसद के शक्तियों को आहूत करने और अवसान करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ना कि लोकसभा को, अध्यक्ष को, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, सरकार के कार्य संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत सरकार की सारी शासनात्मक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, सही है। प्रधानमंत्री को भारत सरकार के शासन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाने होते हैं, गलत है। तो इसमें केवल आपका एक कथन सही है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के शासन संचालन से संबंधित है। भारत सरकार की सारी संसरणात्मक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर संचालित की जाती हैं। राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए जाने वाले आदेश एवं अन्य दस्तावेज राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया से प्रमाणित किए जाते हैं। भारत सरकार के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका बारह, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। सरकार की संसदीय प्रणाली के सिद्धांत संविधान में विस्तृत नहीं है, सही है। अनुच्छेद 65 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है, ये गलत है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह की किसी भी न्यायालय में जाँच नहीं की जा सकती, ये सही है। आपका एक और तीन कथन सही है। दूसरे में क्या सही होगा? अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद की स्थिति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ, वेतन और भत्तों से संबंधित है, याद रखना। तो इसमें क्या होगा? एक और तीन कथन सही है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही था इसका, ठीक। क्वेश्चन है आपका 13। क्या है क्वेश्चन? 13, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सरकार की संसदीय प्रणाली के कार्य में अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, सही है। भारत में यह आवश्यक होता है कि किसी सार्वजनिक हित के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को मंत्रियों द्वारा किति हस्ताक्षरित किया जाए, गलत है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें सी ऑप्शन होगा। एक और तीन कथन आपका सही है। दूसरा कथन में आपका सही क्या होगा? भारतीय संविधान में कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं, साथ ही यह भी आवश्यक नहीं होता है कि सार्वजनिक हितों के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों को मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए, ठीक। तो याद रखना 13 का सी होगा, एक और तीन कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 14। मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकानुसार किए जाने वाले कृत्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, सही है। कोई विषय राष्ट्रपति के विवेकाधीन है या नहीं, इसके संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, ये भी सही है। तो 14 का क्या होगा? सी। एक और दो दोनों कथन आपके सही है। क्वेश्चन है आपका 15। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का है,
राज्य मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी है, राज्य मंत्रियों का इस्तीफा ये नहीं है, उप मुख्यमंत्री का कार्यालय ये भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका, याद रखिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, ये आपका 163 में दिया गया है, और राज्य मंत्री का सामूहिक दायित्व 164(2) में दिया गया है, आर्टिकल 164 में, ठीक। तो इसमें क्या होगा आपका 3 और 4, यानी कि सी ऑप्शन 15 में सी। क्वेश्चन है आपका 16, क्या है 16, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल शक्ति का 10% से अधिक नहीं होगा, गलत है। इसमें विभाजन के आधार पर दल बदलों को संरक्षण प्रदान किया गया है, ये भी गलत है, आपके दोनों कथन गलत है। सही क्या है आपके, तो याद रखना है राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है, याद रखना, क्या है 35% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और दूसरा कथन था 10वीं अनुसूची के उपबंध विभाजन की उस दिशा में लागू नहीं होंगे जब किसी दल के एक तिहाई, कितने, एक तिहाई सदस्य उस विभाजित धड़े में शामिल हो जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निरहकों के लिए संरक्षण नहीं है। अगर 1/3 सदस्य किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपके 16 में दोनों कथन गलत थे, डी ऑप्शन था, ना तो एक सही था और ना ही दो। क्वेश्चन है आपका सत्रह। क्वेश्चन मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का एक हिस्सा है, गलत है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, सही है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के संसद के निचले उच्च सदन पर लागू करता है, ये गलत है आपका, इसमें केवल बी ऑप्शन सही है। सही क्या है आखिर, मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं तथा यह है मंत्रिपरिषद का भाग होता है, याद रखिए। और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को संसद के निचले सदन पर लागू करता है, किस पर, निचले सदन पर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 18, वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक बहुपक्षीय आतंकवाद रोधी मंच है, गलत है। यह नीति निर्माताओं तथा पेशेवरों के लिए आतंकवाद रोधी नागरिकों क्षमताओं राष्ट्रीय रणनीतियों कार्य योजनाओं प्रशिक्षण मॉड्यूल को मजबूत करने के लिए अच्छी प्रथाओं एवं उपकरणों का विकास करता है, ये सही है आपका। तो इसमें केवल दो कथन सही है आपका, एक कथन में क्या होगा याद रखिए, वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया CGCTF एक अनौपचारिक राजनीतिक बहुपक्षीय आतंकवादी रोधी मंच है जिसने 21वीं शताब्दी के आतंकवाद को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला को मजबूत किया है। इसकी अध्यक्षता मोरक्को और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, ठीक। क्वेश्चन है आपका 19, क्या है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम फीसा 2021 में भाग लेने की का फैसला किया है, फीसा का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो याद रखना आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा, ठीक है, याद रखना बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन है आपका 20,
लू रिबू कैंपेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया, गलत है। यह सभी नागरिकों को अपने शहरों के सार्वजनिक शौचालय को दर्शाने की अनुमति प्रदान करता है, ये सही है। भारत में स्थायी गाइड को प्रोत्साहित करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, याद रखना है किसने, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने हेतु शौचालय समीक्षा अभियान शुरू किया है, ठीक है। याद रखना किसने, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गूगल के साथ, ठीक, मिलकर। तो इसमें क्या था, बी ऑप्शन केवल दो कथन सही था। क्वेश्चन है 21, भारत पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो याद रखिए, केंद्र सरकार IPPB में 100% शेयर की मालिक है, सही है। इसका बचत खाता अधिकतम 1,00,000 रुपये की शेष राशि की अनुमति देता है, ये भी सही है। इसका मुख्य लक्ष्य ऐसे उधारकर्ता जिनको आमतौर पर संपार्श्विक स्थिर रोजगार या सत्यापन योग्य क्रेडिट के इतिहास की कमी हो को सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है, ये गलत है। इसमें आपका 1 और 2 कथन सही है। यह बचत तथा चालू खातों और प्रेषण एवं धन हस्तांतरण बिल एवं उपयोगिता भुगतान उद्यम तथा व्यापारी भुगतान जैसे उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करेगा। भुगतान बैंक को किसी भी प्रकार का ऋण देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने में की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के बैंक सावधि जमा या आवर्ती जमा स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या है, 21 में आपका बी, 1 और 2। क्वेश्चन है आपका 22, तेलंगाना में सतरमठ बांध और पेडन्न चेरुवु को विश्व धरोहर सिंचाई संरचनाओं के रूप में मान्यता दी गई है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग द्वारा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 23, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं, भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि, तुर्की का लीरा संकट, वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका, सही है, तीनों आपके सही है। तो इसमें आपका डी होगा, ठीक है, 23 में डी। क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन क्या है 24, दक्षिण एशिया महिला विकास फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो इसमें आपका क्या होगा, यह सार्क द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संगठन है, सही है। इसने सामान्यतः आर्थिक सशक्तिकरण से शुरू होती है, विषय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसमें आपके 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 25, पीएम आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, सही है। इससे किसानों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गेहूं और धान के भौतिक प्रबंधन में मदद मिलेगी, ये भी आपका गलत है। इसके प्रबंध संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है, सही है। तो इसमें 1 और 3 कथन आपका सही है, और दूसरा जो है, दूसरा गलत क्यों है, गेहूं धान के प्रबंधन हेतु पहले से ही एक प्रणाली मौजूद है, जबकि इस नई योजना ने फसल विविधीकरण सुनिश्चित करने तथा मृदा एवं जल के तनाव को कम करने के लिए दालों, तिलहनों और कोपरा को लक्षित किया है, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें क्या था 25 में सी, 25 में था आपका सी, ठीक। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं जो, ठीक है।